हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबोध के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम सो आप सब ठीक होंगे। आज संडे है, मतलब छुट्टी है, तो सब घर पे ही है। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब सारे काम से निपटा ली और आज फास्टिंग भी है, तो बच्चों को गुजिया खाना है, तो सोची आज बना देती हूँ। तो चलिए किचन में स्टार्ट करते हैं और मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, देखिए कि मैं कैसे गुजिया बनाती हूँ। उसके लिए पूरा ब्लॉग देखना होगा, तभी समझ में आएगा। चलिए अब किचन में चलते हैं। इधर है बाप बेटी, तो क्या सो रहे इन लोगों को, सोने को बोल रहे हैं लेकिन इन लोगों में नींद किसी को नहीं आ रही। देखिए दोनों तीनों मस्ती कर रहे हैं। किसका? पापा। कैसे? इनका मस्ती चलता रहेगा। चलिए अब हम लोग किचन में चलते हैं। देखिए किचन में मैं आ गई। यहाँ पे मैं मैदा ली हूँ और एक खोआ है, यहाँ पे चीनी है, शुगर, हाँ थोड़ा सा ही ली हूँ क्योंकि खोआ में मैं थोड़ा मिक्स की हूँ। और यहाँ नारियल का कुछ तो काट के रखी हुआ, हाँ नारियल है, इधर किशमिश है, काजू है, बादाम है, ड्राई फ्रूट सब रखी हूँ। इन सबको मतलब मिक्सी में पीस लूँगी, उसके बाद ये खोआ में मिक्स कर दूँगी। और अभी सबसे पहले जा रही हूँ ये मैदा का डोर बनाने, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी बनाना। इसमें मैं थोड़ा सा सोडा ऐड कर देती हूँ, इससे क्या होता है थोड़ा क्रिस्पी होता है। बहुत लोग को ऐसा होता है कि बनाते हैं घर पे सॉफ्ट हो जाता है, मतलब मुलायम बिल्कुल हो जाता है, और एक गुजिया मतलब थोड़ा क्रिस्पी रहे तभी अच्छा लगता है खाने में, मतलब ऐसे कुरकुरा आ जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें सोडा ऐड कर दी। अब इसे डो बना लेते हैं। मैं सबसे पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैं हल्का हल्का पानी डाल के इसे अच्छे से आटा की जैसे डोर बनाते हैं उसे गूंथ लेती हूँ। थोड़ा सा मैं रिफाइन इसमें लगा के और इसे ढक के रख दूंगी सेट होने के लिए। मैं डोर तैयार कर ली हूँ, अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। ये सेट होगा तब तक ये सब तैयार कर लेती हूँ। चलिए अब इधर आइए ताकि मैं वहां पे ड्राई फ्रूट्स जितना रखी थी और वो नारियल था, वो सबको मिक्स करके अब इसे मैं पीस लेती हूँ, इसका मतलब पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए बन गया। इसे मतलब डाल के बनाए ना तो बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। हम आप एक बार तो ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। देखिए पहले ही कितना सुंदर इसमें से सुगंध आ रहा है। इलायची भी डाली हूँ ना, अभी थोड़ा सा इसे भी इसका टेस्ट बना लो। सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। ये देखिए इनको पहले ही मेरा बेटा खाने के लिए आ गए, अभी बना नहीं तब तक इनको पहले ही पीने जाता मैं। थैंक यू। चीनी का पाउडर रख दीजिए, रख दीजिए, इसमें से खाइएगा। इसे हाथ से मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसमें से क्या है कि जार में से इलायची का स्मेल आ रहा है, तो लेके गए किबल का, इसमें बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है। और लड़की की तरह उनको मतलब कोई भी चीज़ खाने का शौक है, कुछ भी बनाइए, थोड़ा सा ना हो थोड़ा सा, जैसे लड़की को हर चीज़ बनाइए चटपटा रहता है कि जब तक टेस्ट ना करे बेचैनी रहता है, वैसे उनको रहता है। अभी मेरा देखिए डोर कितना अच्छा सेट हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब इसका मैं छोटा छोटा पूरी के जैसे बेल लेती हूँ।
गोल गोल, या जरूरी नहीं है गोले हो, आपके ऊपर है कि जो चीज हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। अभी देखते हैं आज कैसा हो रहा है। ये आटा का है तो थोड़ा बेलने में ना दिक्कत होता है, यदि मैदा का है तो आटा का रहता है तो मतलब थोड़ा अच्छा से हो जाता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा बना ली मम्मा। अब देखिए मैं इसे खूब अच्छे से, ये मैं हाथ से ही बना रही हूँ, मेरे को हाथ से ही अच्छा लगता है बनाने में। इसे थोड़ा सा मैं पानी के सहारे लेके अच्छा से चिपका दूंगी। ये देखिए मतलब हाथ से ही इतना अच्छा हो जाता है कि आपको इसका क्या है कि बनाने के लिए फेम होता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि पानी गुलू के जैसा होता है ना माँ। हाँ गुलू के जैसा दिख रहा है पानी। नहीं माँ, पानी से कुछ नहीं कर सकते, पर तो गुलू पानी है। हाँ देखा ही चिक गया खोआ, देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है। मतलब हर चीज चिपकाते हैं, अभी पानी से देख रहे थे, अभी इनको ग्लू भी की जैसा पानी दिख रहा है। नहीं मामा, मामा। इधर मैं तेल रख दी हूँ कढ़ाई में, गरम भी हो गया है, अब मैं धीरे धीरे कर एक एक करके डालूंगी, नहीं तो जब भी डालती हूँ थोड़ा बहुत हाथ जला लेती हूँ। इससे पहले मैं आँच को थोड़ा धीमी कर देती हूँ, धीमी पे खूब अच्छा से बनेगा। थोड़ी देर में खाने लायक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी लगेगा। तो आज तो मैं टेस्ट नहीं करूंगी, ये लोग टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है कैसे नहीं। बच्चे तो अभी खेल रहे हैं, पता नहीं खेल रहे या सो गए, अभी तो नहीं मालूम। मैं तो इधर किचन में हूँ, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, देख रहे हैं ना कितना मस्त लग रहा है। मेरा जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब एक खुद ही अपने आप ही दूध अपने आप ही, मतलब इसे क्या दोनों साइड हमसे पका लेंगे अच्छे से तो खूब अच्छे से हो जाएंगे। एक साइड मैं पलटी, एक साइड तो ये खुद ही मतलब अपने आप ही दो फूल के पलट गए, दो मुझे पलटना पड़ा, तो अच्छे से हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मैं उसमें ही रहने देती हूँ, तो बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएंगे, तो मैं उसे निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इसे मैं निकाल के और जो बाकी सब है इसे भी मैं धीमी आँच पे ही फ्राई कर लूंगी। देखिए कितना अच्छा आवाज आ रही है, देखिए देखिए लग रहा है ना, बहुत अच्छा एक क्रिस्पी होता है। ऐसे करके मैं धीमी आंच पे सबको निकाल लूंगी, इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद ही पता चलता है कि अच्छा है कि नहीं, जब तक नहीं बनाएंगे पता कैसे चलेगा। आप लोग भी बनाते होंगे, मतलब सबका बनाने का तरीका अलग होता है, आप कैसे बनाते हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरा संडे का फास्टिंग भी है, तो क्या उसमें चूड़ा और दही खाते हैं, पूजा तो कर ली हूँ, तो ये सब फ्राई करने के बाद मैं खाना खा के थोड़ा आराम करूँगी। तो आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।